नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी एग्जाम अपडेट को लेकर के। ओके, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग दो टाइम लाइव डाउट सेशन करते हैं, एक मॉर्निंग के 10 बजे, एक इवनिंग के 9 बजे। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल होता रहा होता है कि सर एनटीपीसी की एग्ज़ाम कब होगी, एनटीपीसी की एग्ज़ाम कब होगी। तो इसी के रिगार्डिंग हम लोगों के लिए एक अपडेट आया है। क्या इस साल की जगह अब एनटीपीसी की परीक्षा अगले साल होगी? एनडीटीवी, आप सभी को ही जानते ही होंगे, इन्होंने जो सो कि एक रेलवे के अधिकारी से ये सवाल पूछा है। क्या जवाब दिया रेल अधिकारी ने? इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, जो भी जानकारी होगी वो आपको मालूम चल जाएगी। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरआरबी ग्रुप डी हो या आरआरबी एनटीपीसी हो, तो आप जैसे कि परीक्षा ऐप से टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, जिसमें यदि आप कूपन कोड यूज करते हैं एस एस उमंग 40, तो उस केस में आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि आपको 249 का टेस्ट सीरीज मात्र आपको 149 में मिल जाएगा, जिसमें आपको 30 टेस्ट सीरीज मिलेगा, प्लस में आप लोगों को डेली करंट अफेयर का स्टडी मटेरियल मिलेगा और डेली करंट अफेयर मिलेगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो देखिए आप लोगों के लिए एक अपडेट यहाँ पे है फ्रेंड्स। एनडीटीवी का ऑफिशियल वेबसाइट मैंने खोल करके रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं आपके लिए एक अपडेट आ रहा है। आरआरबी एनटीपीसी, आखिर क्यों स्थगित हुई एनटीपीसी की परीक्षा? रेलवे अधिकारी ने बताई वजह। तो खैर, ये बहुत लंबा आर्टिकल है, पूरा आर्टिकल हमारे कोई काम का नहीं है। ये आर्टिकल जो है आप लोगों का कब का है, अपडेटेड 21 अक्टूबर का आर्टिकल है फ्रेंड्स, 11:19 का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स के हिसाब से। ओके, तो चलिए हम लोग अपना जो काम का आर्टिकल है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। ये सब आप लोग जानते हैं, सारी डिटेल काफ़ी बार मैं बता चुका हूँ, लगभग आप लोग सभी कोई को पता होगा। तो मेन जो हमारा मेन मुद्दा है, जो क्वेश्चन है, हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। ऐसे में हमने रेलवे भर्ती बोर्ड, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को संपर्क किया। ओके, यहाँ देखिए, हमने अधिकारी से पूछा कि क्या इस साल की जगह अब एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी 2019 की परीक्षा अगले साल होगी? इस पर अधिकारी ने कहा, साल खत्म होने में अभी समय है, नवंबर और दिसंबर बचा है, ऐसे में परीक्षा इस साल होगी या अगले साल, ये तो एजेंसी की नियुक्ति के बाद ही साफ हो पाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है फ्रेंड, कि मतलब कि रेलवे का जो एग्ज़ाम है वो आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ इसलिए पेंडिंग है क्योंकि एजेंसी का जो फाइनल सिलेक्शन है वो नहीं हो पाया है। और रेलवे के एक अधिकारी ने बताया भी था कि 30 अक्टूबर तक उम्मीद है कि रेलवे का एजेंसी का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए, और आरसी बिलासपुर के चेयरमैन सर का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया था दैनिक भास्कर आर्टिकल में कि नवंबर में आप लोग का एनटीपीसी का एडमिट कार्ड आ सकता है और दिसंबर जनवरी में एग्जाम हो सकता है। ओके, तो ये एक छोटा सा अपडेट था फ्रेंड, ये जो आपको देना था। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।